राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक व अखिल भारतीय मुस्लिम मंच के संस्थापक इंद्रेश कुमार ने कहा कि राम मंदिर तो बहुत है लेकिन राम जन्म स्थान एक ही है। उन्होंने कहा कि किसी से भी पूछने पर वह बता देगा कि राम जन्म स्थान उत्तर प्रदेश की अयोध्या में है। उन्होंने दावा किया कि सरकार और कोर्ट की ओर से विवादित ढांचे को लेकर जब खुदाई की गई तो खुदाई में वहां एक भी इस्लामिक चिन्ह नहीं मिला। अब इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट को मूल में जाना है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किधर जाएगा सभी को मालूम है। उन्होंने कहा कि मस्जिद बनानी है तो अयोध्या और फैजाबाद के बाहर बनाए, हिंदुस्तान को अब फसाद मुक्त बनाना होगा। इंद्रेश कुमार आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हिमालय परिवार की ओर से आयोजित राम जन्मस्थली अयोध्या का सच विषय पर बोल रहे थे। कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि ये विवाद राम जन्मभूमि अयोध्या वर्सेज विवादित ढांचे का है और इस्लाम में कहा गया कि विवादित स्थान पर मस्जिद नहीं बन सकती। उन्होंने बताया कि अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन दान नहीं दी गई, किसी ने इसे खरीदा भी नहीं। साथ ही इस्लाम के मुताबिक किसी भी बादशाह या व्यक्ति के नाम से मस्जिद आदि बनाना भी उन्होंने गलत बताया। उन्होंने कहा कि बाबर ने तो मुसलमानों से खुदा छीना और बाबर का नाम दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान को सोचना चाहिए कि उसका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन। इंद्रेश कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम विदेशी अंग्रेजों को अपना इतिहास क्यों माने, उन्होंने तो यहाँ आकर सिर्फ लूटपाट ही मचाई। विदेशियों ने हमें सिर्फ अनपढ़, बेरोजगारी और बीमारी ही दी। कहीं भी देश में विदेशी अंग्रेजों ने विश्वविद्यालय और शिक्षा के दूसरे अन्य केंद्र नहीं खोले, चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं दी, सिर्फ एक ताजमहल बनवाया और शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ नहीं दिया। इनका राजनीतिक नजरिया है ऐसा है कि उनको वोट से और हिंदुस्तान को लड़वाने और बांटने से मतलब है, इसलिए अब वो मंदिर भी जाते हैं। इधर वही कांग्रेस और दल कह रहे थे राम एक मिथ है। जजों ने भी कहा कि राम की असलियत क्या है, पर रामनवमी की छुट्टी सब इंजॉय करते हैं, वो उसमें ये नहीं कहते कि अब रामनवमी की छुट्टी नहीं चाहिए। दूसरा, सब मंदिर जाएंगे, माथा टेकेंगे, पर इधर आकर नाटक करेंगे।